नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में। पूर्व कैबिनेट मंत्री और जमानिया विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट ओम प्रकाश सिंह की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। यहां पिछले दिनों बीजेपी कार्यकर्ता से उनके संवाद का वीडियो वायरल होने के बाद उन पर मुकदमा दर्ज हुआ था और उन्हें कोर्ट से जमानत लेनी पड़ी थी। वहीं एक वायरल हो रहे वीडियो के बिना पर उन पर फिर से मुकदमा दर्ज किया गया है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। चुनाव जारी है और सभी 5 प्रदेशों में आचार संहिता लागू की गई है, लेकिन वही सपा प्रत्याशी इन संहिताओं का लगातार उल्लंघन कर रहे हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री और जमानिया विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी का इन दिनों एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वो आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आरोप है कि वायरल वीडियो में वो आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए लोगों को पैसा बांट रहे हैं। इस वीडियो के वायरल होने पर FST यानी कि फ्लाइंग स्क्वायड टीम ने पूर्व मंत्री के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में उन पर गहमर थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया है। गौरतलब है कि प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद चुनाव आयोग के दिशा निर्देश पर पुलिस और प्रशासन चुनाव कराने को लेकर प्रतिबद्ध है। प्रशासन की विशेष निगाह उन सभी गतिविधियों पर है जो चुनाव को प्रभावित कर सकती हैं। इसी बीच अखिलेश के नेता और कार्यकर्ता इन नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी ओम प्रकाश सिंह के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ता अरुण जायसवाल को फोन पर धमकी देने के मामले में मामला दर्ज हुआ था, जिसके बाद पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह ने कोर्ट में पेश होकर इस मामले में जमानत ली थी। इसके बाद राजनीतिक माहौल गर्म हो गया था और अब एक बार फिर से उन पर आचार संहिता का उल्लंघन करने को लेकर मामला दर्ज हुआ है। इससे पहले भी कई बार सपा कार्यकर्ता इस तरह की हरकत करते हुए कैमरे में कैद हुए हैं, जहां प्रयागराज के हंडिया से एक ऐसा ही वीडियो सपा के उम्मीदवार और विधायक हाकिम बिंद का सामने आया था, जहां वोट पाने के लिए मतदाताओं को 500-500 रुपए की रिश्वत देते हुए वो कैमरे में कैद हो गए थे। वहीं पैसे लेने वालों की भी लंबी कतारें लगी हुई थी। चुनाव जारी हैं तो वहीं चुनावों में पुलिस प्रशासन लगातार इन कोशिशों में लगा है कि चुनावों में किसी भी तरह की अराजकता ना हो, लेकिन चुनावों के समय लगातार ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं, जहां सपा नेता और कार्यकर्ता लगातार इस प्रक्रिया में खनन डालने का काम कर रहे हैं। लेकिन आप सभी से आग्रह है कि आप सभी अपने प्रत्याशी का चुनाव ध्यान से करें, क्योंकि आपका वोट यूपी की तकदीर तय करेगा और यूपी देश की वोट जरूर करें। इस खबर में फिलहाल इतना ही, बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।